इस वीडियो में बात करने वाले होनर के एक अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा, मींस के लॉन्च डेट, प्राइस पाकिस्तान इंडिया में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रही वही मैं आपको बताऊंगा। चाइना में इसकी लॉन्च कंफर्म हो चुकी है, खुद होनर ने कंफर्म की है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आपने कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ डिजाइन के हवाले से। ये देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल टीजर डाला गया है होनर की जानिब से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लुक्स दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है ना, मैं थोड़ा जूम भी कर दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास फोटो मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है ना, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं होनर का डिवाइस है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में जरा बताता चलूँ, इसमें मुझे बैक के ऊपर ट्रिपल कैमराज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फोल्डेबल स्मार्टफोन है और इस डिवाइस का नाम है, यहाँ पर हम बताता चलूँ मैं आपको, होनर मैजिक VS। ओके, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं होनर मैजिक VS। ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रीडिसेसर था, वो था होनर मैजिक V। ओके, तो यहाँ पर इसका न्यू मोबाइल आने वाला है, कब आने वाला है चाइना में, ये सबसे पहले देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर चाइना लॉन्च इवेंट इसका होगा 23 नवंबर को। ठीक है, मींस के ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद इसका इवेंट हो जाएगा चाइना के अंदर। ओके, तो जब इसकी 100% ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये खुद होनर मोबाइल्स फोन ने यहाँ पर ये पोस्ट की हुई है चाइना के अंदर। ओके, ये मैं इनकी वेवो वेबसाइट से स्टार्ट यहाँ पर लिया स्नैपशॉट। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मजीद इसके बारे में कि ये कब लॉन्च किया जाएगा इंटरनेशनली। देखिए, फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं कि कब लॉन्च किया जाएगा इंटरनेशनली, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फरवरी तक हो सकता है कि लॉन्च कर दिया जाए इंटरनेशनली। जहाँ तक बात करूँ पाकिस्तान की, तो मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान में ये मोबाइल अवेलेबल होगा। ओके, तो पाकिस्तान की लॉन्च डेट प्लीज़ मत पूछिएगा। ओके, और जहाँ तक बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में अवेलेबल होते हैं डिवाइसेस, तो इंडिया में मेरे ख्याल से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। इसके मुताबिक जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। जहाँ तक बात कर लें प्राइजिंग, प्राइजिंग इसकी फिलहाल कुछ कन्फर्म नहीं है। जब ये चाइना में रिलीज हो जाएगा तो मैं इसकी डिटेल, प्राइजिंग और स्पेसिफिकेशन सारी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मेक श्योर आपने चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रही है इस डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसमें 8 Gen 1+ प्रोसेसर आएगा। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी कुछ कहा जा रहा है कि 67 वॉट की आ सकती है। लेट्स सी कि कितनी फास्ट चार्जिंग आती है। ओके, यहाँ पर इसकी मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखें, जस्ट 1 वीक टू गो ये आ जाएगा। ठीक है ना, एक हफ्ता रह गया इसके अंदर कि ये जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा क्योंकि काफ़ी सारी फेक स्पेसिफिकेशन चल रही हैं इसकी मार्केट्स के अंदर। ओके, जहाँ तक बात कर लें इसकी मजीद स्पेसिफिकेशन की, तो इस स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 8 Gen 1 प्रोसेसर आ रहा है और इसकी फास्ट चार्जिंग के हवाले से भी बता दी। जहाँ तक बात कर लें स्क्रीन साइज़ की, तो कहा जा रहा है कि 7.9 इंच का स्क्रीन साइज़ आने वाला है इस डिवाइस के अंदर। लेट्स सी कि कितना अच्छा ये मोबाइल आता है और क्या इसमें डिटेलिंग होती है। ओके, ये देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको फोटो दिखाना चाह रहा था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर लुक्स देख सकते हैं हम आराम से। ये इसका लुक्स है, ये इसकी 100% ऑफिशियल इन्होंने लुक्स डाला था यहाँ पर, इन्होंने खुद होनर वालों ने। ठीक है, चाइना के अंदर इसका टीजर लगाया था, अभी रिलीज हुआ है इसका टीजर लगभग कुछ घंटे पहले। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं, आई होप सो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक्स काफ़ी बेहतर लुक्स है इसका। ठीक है ना, अभी यहाँ पर हम वीडियो कर लेते हैं रैप अप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के मुताबिक कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अपडेट रहने के लिए। ओके।